तो था मैंने 5 लाख रुपए भी जो मेरे अकाउंट में नहीं है, जो घर की जमीन आई है मैं बेच दूंगा किसी और को। सारा मेरे को तो बच्चे सब ठीक है। नाच की पत्ती, नाच की पत्ती, दादी कुछ और कह करे। तो ये हमारे गुस्सेदार है, इनमें मैं तो आध भी नहीं लाती, मन तो डर लग गया था। दी सांप बढ़ रहे, सारा पेंट उतर रहा हमारा। और ये देखो, ये पता नहीं केला। राम राम जी सारे ने, और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के घर परिवार में भी सारे जने बिल्कुल ठीक होंगे। जो मेरी बहन है चैनल पर पहली बार आई हैं, एक बार चैनल में जरूर सब्सक्राइब कर लो। और आज हम ऊपर आए हैं, मतलब मैं ऊपर आई हूँ कम से कम 10-15 दिनों के बाद मैं ऊपर आई हूँ। और ऊपर ना बुरा हाल हो रहा है, नीचे देखो सारा पेंट उतर रहा हमारा। और ये देखो, ये पता नहीं केला, हाँ पेंट। मैंने सोचा मैं कुछ कर के आ जाऊँ, तो पहले अपने कमरे के हालत देख लेते हैं अंदर। पता नहीं पानी बढ़ रहा है उसमें, क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी, क्या पता पानी भी रुक रहा हो। तो एक बार देख लेते हैं, और थोड़ा सा इसको खुला छोड़ूंगी क्योंकि भाई बहुत क्यों है बंद ही रहा कमरा। तो भाई फिलहाल तो कुछ नहीं है क्योंकि थोड़ी बहुत ही बारिश आई थी, इतनी तो आई थी, पर फिर भी डर तो लगा ही है। तो यू रूम थोड़ी सी बस बदबू छूट रही है इसमें, बस बाकी तो सबसे बढ़िया है। स्टेप पर थोड़ा सा साफ सफाई कर लेती हूँ, मैं ले आई थी झाड़ू, तो यू झाड़ू कर रहे। तो पहले कमरे से अंदर से शुरुआत करती हूँ। ना तो मेरी मम्मी नहीं होगी घर में, रहे पीछे कुछ भी नहीं करते, हम तो कमरे की सफाई भी नहीं करते। तो आगे नीचे आई दुकान में चलते हैं, थोड़ी सी दुकान की भी सफाई कर लेते हैं। दुकान मतलब हमारा दूसरा रूम, वो पहले दुकान थी पर अब हमने उसको एक्सचेंज कर लिया, हमने बना दिया उसको अपना बढ़िया रूम, VIP रूम थोड़ा, मतलब जिस हमारे से आप तो VIP है। ये मेरी चाची का कपड़े सूखन लग रहे हैं, साथ में मेरे बर्तन धरे, आप लोग ये दिखावा रोज। तो भाई ये अगर मैं काम और के दिखावा, तो ये हमारे गुस्सेदार है, इनमें मैं तो आध भी नहीं लाती, मन तो डर लग गया था। सांप बढ़ रहे हो इनमें, बहुत डर लग गया। लकड़ी धरी, लकड़ी में तो आटा बन रहा नीचे, ये देखो इसने पता नहीं केक ही करे आटा ही, मैं तो आटा ही कहूँगी, मैंने और तो ज़्यादा पता नहीं है केक ओ आई यू डी मतलब डीग सामा रखे हमारे कन, तो डीग को है इसने यूजर जाए नीचे इसमें। ये लकड़ी हो गया बेकार, अच्छे से सूख भी रही है। और यू भाई जो वक्कर है, यू गुन्नू का था, मेरी ननंद गया नीचे, गुन्नू 5-6 महीने का था तब तक, यू 4 साल का हो गया गुन्नू भी। और यू न्यू इधर या ये गुस्से देखे कितना बड़ा थे पड़ा, मेरी मम्मी ने बड़ा रखा यू। और भाई चलते हैं दुकान में, थोड़ा पोचा धो लूँ, ये पोचा मैंने बड़ा ही पसंद आया मेरे। तो भाई ये हमारी दुकान थी पहले, पर हमने इसको बना दिया बढ़िया सा रूम। और आप लोग देख सकते हो पर्दे के पीछे का राज है ये शटर, तो हमने यहाँ पे बढ़िया से पर्दे लगा दिए थे। और सोफे रखे यहाँ पे, बेड है, तो यहाँ पे मतलब कोई झाड़े झूड़े वाला आ जाए और मतलब गेस्ट वगैरह तो यहाँ बहुत कम ही समय, क्योंकि भाई बाहर है ऐसी आई रूम तो यहाँ जी सा ही नहीं लगता, हम ज़्यादा अंदर ही रहो। तो थोड़ा सा यहाँ भी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो सोफे के नीचे भी धूल मिट्टी इतनी आ बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा मैं भाई फ्री तो हूँ, मैं भी पहले यहाँ की सफाई कर लेती हूँ। फिर गुन्नू की ड्रेस भी बढ़िया है यहाँ पे, उसके भी मैंने प्रेस करनी है, प्रेस करके रखनी है। कल तो इतवार है, तो कल मैं परसों ने स्कूल जा रहा हूँ, सारा काम तैयार करके रख दूँगी बच्चे का। और मेरी दादी गली में जा रही बच्चे लेके, मेरी दादी की तबीयत थोड़ी ठीक है, दादी बोली नहीं मैं संभालूंगी बच्चों को, चार्जर दी के खड़ा फेंक रख के सारा तोड़ दिया योगी गुन्नू ने खा। ओ कर तो लिया बेटा तू नाच की पत्ती, चाची ना दे इसकी दादी लागा भाई, चाची मेरी लागा, चाची ने कहा चाची ने दे, चाची को आयु दादी ने अपनी ने कहा नाच की पत्ती है ये, नाच की पत्ती में को नाच की ओ क्या बोलते हैं, क्या क्या कर रहे दादी, नाच की पत्ती, दादी कुछ और क्या कर रहे बहुत यम्मी है। आए मन दे जुट्टा खाया ओहो ची 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 राम राम तो कर दे मेरी बहनों ने, मेरी बुआ ने अपने बच्चों ने दे खुश, इसके कपड़े मैंने तय कर दिए ठीक है, छुट्टी है, छुट्टी है मेरी माँ बोला भूई का गई माँ जी, कौन सी भूई का गई है बता दो दे मेरे को, मेरी माँ आपकी माँ है, दीपू की माँ है, मैम की याद नहीं आ रही आपको, आ रही है
मान नहीं रही क्योंकि नहीं अभी नहीं आ रही है मेरे को। परसों मैंने पूछा मगर प्यार को किससे करते हो, क्योंकि मैम से करता हूँ मैम से। भूई के घर जाना है, कोई बात नहीं जल्दी ले जाओ फिर भूई के घर। खड़े हो जाओ फिर आप, पहले खड़े हो जाओ। टेंगे टेंगे करके दिखा एक बार, मोए मोए करके दिखा। जो दिखाऊंगा नहीं फिर और दूंगी तेरे को, कुछ पकोड़े बनाऊंगी फिर आपा। चल फिर चाय और पकोड़े दूंगे। देखिए इसके छोटे छोटे दाने हो रहे हैं, इसके एलर्जी सी है, इनमें मैंने डिटॉल लगाना पर याद नहीं ना, तो डिटॉल ले रखा है। लखड़े हो जा, टेंगे टेंगे लटेंगे टेंगे करके। दो मिनट में रूस जा, ले मैं परले कमरे में जाऊँ। मैंने यहाँ पे मम्मी का सूट प्रेस करके रखा था, पता नहीं है कैसे गिर गया नीचे, मेरे को तो अभी दिखा मगा सूट तो नीचे गिरा पड़े, तो मैं इसको रख देती हूँ फिर से पैक करके। किसने गिराया, आपने गिराया ना मेरे कपड़े नीचे? नहीं मम्मी। फिर ये किसने? आप। ये तो दोबारा ही तय करनी पड़ेगी इनकी, फिर से बोलेगी मम्मी की ऐसे जो बड़जो कर रखा। भगवान देखिए गुन्नू किसने कर रही हूँ काम, बताओ भाई गुन्नू। गुन्नू आ रहा होगा पक्का यहाँ पे, है ना गुन्नू? ना रहन दे बेटा, उल्टे काम नहीं करते। नहीं अच्छा बच्चा है गुन्नू तो। ये है जाले उतारने का बेटा। मम्मी मैं आऊंगा जा। हाँ उतारोगे जाले? हाँ। तो भाई डुबो, अरे क्यों हुआ? खेल गया? कुछ भी नहीं, कटोरी चाहिए थी। माय आई भी हूँ। खेल क्या निकल? कौन नहीं पींगा पानी का प्यास हमने खंडिया दिया। क्या देखियो कितना न्यूरो आज का रोज सी गया। आप मेरे का खंडिया दिया सारा। देखिए देखिए गुस्सा देखिए आप देखिए फिर देखिए। पकड़िए दादी ने मेरा पर्स काट लिया। चार पांच रुपए मेरे पे ले लिए तुम, तो बोल लिया ये के लिया हुआ सारे पैसे के ले लिए ले लिए मैं ले लूं तेरा रोना ना तो दूध पी जा भाई। तो बस बस रोना बेटा दे दे दूध का देने मैं नहीं पिए। चल कोई बात नहीं फिर 10 रुपए दूंगी दे दे ये तो दे दे मैं लड्डू दे 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 50 रुपीस है ये। बस आ डुगू मेरे पास लड्डू की आएगी फिर खेल रहा। इसने भी पर्स चाहिए गणी रखा मैं इसमें दो बेटा मैं अभी दे दूंगी खुले करा के मानते नहीं आप मेरी बात अपनी मम्मा की बात नहीं मानते आप। बस दे कितना चीज नहीं आना करता जी दादी से 10 रुपए दूंगी ये मेरा सियाना बोरे चीजा के ले इसको 10 रुपए दो कोई दूंगी भी। अभी क्या खाना है बता मेरे को क्या खाना है? तूते हैं? तूते 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 क्या होता है? तूते कुरकुर ना कुरकुर ले आइए ना बड़ा बिस्कुट ले आ दे फिर चल ले आइए। हां जाओ मम्मी ओरियो को बोला चोरियो बिस्कुट ले आऊंगा। चोरियो को नहीं होता ओरियो तो चोर दोनों चोर। हाँ लिया 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 प्रथम दोनों चोर है माँ। मैंने क्या चुराया तेरा है? पैसे कब? सारे पैसे तेरे गुल्लक के निको सारे पैसे गुल्लक के कड़ा क्या तेरा गुल्लक का तेरे तोड़ दिया था। मैंने तोड़ दिया कोई बात नहीं तेरे लिए बढ़िया गर्मी में देखिए पागल हो जाऊंगी ले क्या मैं पैसे दूंगी निकाल के कन्नू 10 रुपए ले जा बस 10 ले ले बिस्कुट ले आइए पैसे दे दूंगा। हां देखिए वो इतने शरारती है नहीं तो पहले छुए हां दे दूंगा इसमें नहीं है नहीं पैसे दादी देगी ले ले ये तो मैंने दे रखे ये दादी देगी निकाल
भाई मेरी दादी का फोन आ रहा है, मेरी दादी बात कर रही है, उनको आ जा आ जा। हेलो हेलो कैसी आ रही है तू एम बी जी? अच्छा ओंडिया मेहमान। हेलो ये तो आपस में बात कर रही है मेरी बहन और मेरी दादी, फोन टाई हुई है मेरी दादी भी आजकल। मेरी दादी सब मैं चाची सब्जी दे के गए भाई तोरी की, देखूंगी दादी वास्ते देंगे हरी सब्जी क्योंकि छोले की सब्जी दिन में भी खाई है, मगर शाम में भी खाई है। हेलो हेलो बिजी ना बोलने की अपनी दादी से बात करा क्योंकि भाई ना मेरी दादी को कुछ समझ आता, मेरी दादी को बेचारी को बोलना ही नहीं कुछ आता, पर कराऊंगी बात पहले। हाथ रुक जा फिर पा नानी आ रही ठीक है, रुक जा करो अगले से भाई भावते गैस साफ कर दूं पहले मैं, 5 मिनट रुक जा। तो भाई 5 मिनट बाद आप लोग भी देखना और मैं अपना काम फिनिश कर दूं तब तक। तो भाई मेरी दादी का लग रही है बात, मेरी दादी से मैंने रोटी बना दी, दादी जल्दी मैं बाहर आई मैं बात कर सारे मेरे बहन एक्सप्लेन कर रही है भाई ऐसे ऐसे बोल रही है क्योंकि मेरी दादी को कुछ भी समझ नहीं आता बेचारी का। और अगे तेल आ जाओ टमाटर तेरे महंगे हो रहे हैं तो, और ये 200 रुपये किलो हो रहे हैं। कुछ नहीं समझ आ रहा दादी, ये देख दोनों भाई खेलने लग रहे हैं तो ठीक है इंतजाम। ठीक है और सारा फिर कैसे बच्चे सब ठीक है? हाँ सारे ठीक ठाक हैं जम्मा, मौज हो रही है मौज हो रही है जम्मा। हाँ आऊँगी अच्छा तो ला रही कुछ नहीं थोड़ी मेरी बहन ताली यू कैंपर लाइए भाई पानी के ओड़े भर दे, मैं तब तक थोड़ी सी बात कर लूँ, इससे दूध पिला दूँ कहिए कर पाए बात मजाक मिला मेरी नानी का। ठीक है नी तो भाई इस टाइम हम दीपू तक कुछ खुआ करा है तो मैंने दूध ले लिया है 2 कटोरियों में, इस कटोरी में गल लग रही थोड़ा थोड़ा, थोड़े से चावल लिया है, थोड़े से छोले की सब्जी ली है और ये इतने नखरे करन लग रहा सारा मुँह में तो कट लग रहा दूध तो, पर मैं थोड़ा पेट भर जाएगा हमारा इसका के मेरे करे करे बड़ा कुछ खंडिया हुआ है कुछ खा हुआ है, पर बच्चे तक खाना खिलाना भी बहुत जरूरी है। फिर मैं इसने साफ कर दूँ आंधी तो कौन, फिर कपड़े के साथ इसका मुंह धो दूंगी बढ़िया तरिया। देखिए दादी के सारे का एक यार रोनी कौन सी दूर रखी है इधर से कप्पी मारा दी ना सीधी देख ले गुस्सा दी वो तेरा गुस्सा मेरा पति करना चाहता है भैया मैं घर से बेघर, आप लोगों को यह बात तो पता है कि यह जो घर की ज़मीन है वो मेरे पति के नाम है, सिर्फ मैंने अपने नाम अपनी जो गाड़ी है वो मेरी मम्मी के नाम थी तो मैंने अपने नाम करा दी है, पर यह ज़मीन मैं अपने नाम को नहीं करा सकती क्योंकि भाई ये ज़मीन मेरे पति के नाम है, जब तक मेरे पति अपनी खुशी से मेरे नाम नहीं करते तब तक ये मेरे नाम नहीं होती ना मैं कुछ कर सकती हूँ इस ज़मीन के लिए, क्योंकि भाई कर तो मैं बहुत मतलब कर ही नहीं कुछ सकती, मैं तो बस रो सकती हूँ जब मैं न्यू सोचूँ मैं अपने नाम कराऊँ, मैं अपने पति की खुशी के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती है। और भाई आज मेरे पति का मैसेज आया था कि या तो था मैंने 5 लाख रुपए भेजो मेरे अकाउंट में नहीं है, जो घर की ज़मीन है या मैं बेच दूँगा किसी और को, और मतलब थम रोंदे रही हो फिर ये मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा जद का, मतलब मैं नहीं सोची मैं के करूँ, मैंने यह बात अपनी मम्मी से भी नहीं बताई ना मैंने दादी से बताई, जो मैंने यह बात अपनी दादी से बता दी नहीं, मेरी दादी तो पागल हो जाएगी रो रो कर, टेंशन पहले बेचारी का बीमार भी हो रही है पेट में भी दर्द दुगना हो जाएगा, इसीलिए मैंने यह बात किसी को नहीं बताई, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ मतलब यह बात मैं सोचूँ आप लोगों के साथ यह बात शेयर करूँ, आप लोग मुझे कुछ सोल्यूशन दीजिए मैं क्या करूँ, मतलब मेरी इतनी टेंशन हो रही है मैं अपने बच्चों के बारे में जद का नहीं हो रहा दिमाग पागल सा हो रहा है, मैं अपने बच्चों के लिए क्या करूँगी, मेरे पति ने तो मतलब इतना दिमाग ख़राब कर रखा, कल फ़ोन करा था आज यू मैसेज कर दिया कि
मैं बेचूंगा ही जमीन, थम कड़ी मर्जी जाइए, थम मरो जियो, मैंने कोई लेना देनी लेना नहीं है थारत है। मतलब मेरी इस बात ने नहीं हो रही, मतलब मैं क्या करूंगी अब अपने बच्चों के लिए। और मैं तो अपने पति के नंबर नहीं ब्लॉक ही करूंगी पहले तो, मैंने कोई बात नहीं कोई बात नहीं तो मैं सीधा ब्लॉक ही करूंगी। इतना सर में दर्द हो रहा के बताऊँ के ना बताऊँ। उसने एक बार भी नहीं अपने बच्चों के बारे में सोचा, उस तो चलो मानना छोड़ के तो चला गया, एक बार अपने बच्चों के बारे में तो सोच लेंदा। इवनिंग को मैं मतलब बेघर करूँगा था नहीं, मैं ये ज़मीन भी बेचूँगा। मतलब मैंने तो सारे काम कर लिए, पुलिस रिपोर्ट भी कर ली मैंने, सब कुछ पुलिस भी के करेगी, उल्टे बाज गया।